आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है, मैं फौरन शो करने आया हूँ। मैंने जब बताया ना अर्चना जी को भी बताया, मैं फौरन जा रहा हूँ शो करने। करी इच्छा तेरे नेपाल का वीजा लग गया? सोचो जो बंदी नेपाल को फौरन समझी थी उसको जज बनाया हुआ आपने। हद होती किसी चीज की। मैं वैसे आपको बता दूं, मैं अफगानिस्तान शो करने के लिए आया हूँ। अर्चना जी तो बड़ी बार अफगानिस्तान जा चुकी है। मैंने कहा आपको वीजा कैसे मिलता है? किसी काय का वीजा, मैं तो ऊँटों के झुंड में घुस के आ जाती हूँ। अफगानी शो पकड़ तो लिया है मेरे को, लेकिन अफगानी गाना नहीं आते। मैंने किससे पूछा, मैंने कहा कैसे गाते हैं? कहते गाना कैसे, बस ऐसे समझो जैसे मुंह में आधा पानी भरा हुआ है। खैर मैं पहुंच तो गया अफगानिस्तान एयरपोर्ट में, मेरे को लेने कोई नहीं आया। खुशामदीद, तुम वही है ना जो इंडिया से इधर शो करने के लिए आई? हाँ, लेकिन तेरे का क्या, तू अपनी भीख मांग। ओए खबीस, बेजुर में खता कतला मजनाज बुता कर दी, खुद पे सदी बर्मन आमे दी गला कर दी फ्रॉम द एपिक्लोटिस। अच्छा ठीक है, आधा किलो खजूर दे दो। और अंजीर है तुम्हारे पास? अंजीर? अंजीर नहीं, जंजीर कहो, जंजीर। ओहो, कहीं तुम वही तो नहीं जिसने अर्चना ने प्राण की गटर पे खुश होकर 10 रुपए दिए थे? हाँ, तुमने हमको पहचान लिया? अरे हमारे अलावा और तुम्हें पहचानते ही कौन है? इस बंदे ने दुनिया को बताने के लिए कि मैं ही वो प्राण हूँ जिसे 10 रुपए मिले, 6 दिन प्राण की कॉस्ट्यूम में घूमता रहा। अपने गांव जाके बोला, कहता अर्चना ने मेरे को 10 रुपए दिए। उन्होंने थप्पड़ मारा, कहते 1.5 साल बाद बॉम्बे आए, साले 10 रुपए ले गया है। ओए अपना बकवास बंद करो और हमारे साथ चलो। हाँ चलता हूँ, पर मेरी एक बात सुनो, ये तुमने शो के लिए मुझे क्यों बुलाया? वो क्या है कि हमारे बहन का ख्वाहिश था क्या? कि उसकी शादी में कोई बड़ा बड़ा सिंगर आना चाहिए। अच्छा? इसीलिए हमने तुमको बुलाया। अच्छा? वैसे तुम्हारे साथ और भी बड़े बड़े सिंगर आने वाला था, वो नहीं आई? इधर नहीं है। अच्छा ओ सॉरी, वो तो एयरपोर्ट पे पकड़े गए। पकड़े गए क्यों? तुम्हें पता है पुलिस के नखरे, फालतू में ऐसे ही बिना टिकट के अंदर नहीं जाने देंगे जहाज में, ये क्या बात हुई? हमने बड़ा काम है ना, कहा जाने दो, अंदर जाके जहाज में बैठेंगे, कंडक्टर से टिकट ले लेंगे, इसमें क्या है? ओए बेवकूफ, तुमको मालूम नहीं कि प्लेन के अंदर कंडक्टर नहीं होती? क्या बात कर रहे हो, कहाँ खड़े कहाँ? कंडक्टर नहीं होते फ्लाइट में? नहीं होती। तभी मैं कहूँ ये काले साहब को घाटा कैसे पड़ा, किसको पता चल रहा है पीछे कौन चढ़ रहा कौन उतर रहा है? चलो मेरे को क्या बता, एक बात बताओ, मैंने सुना है किधर खड़े किधर तुम? मैंने सुना है अफगानिस्तान में आतंकवादी बड़े आ जाते हैं, मेरी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम किया कि नहीं? वो इनको मेरे मर गए ना कहना दी जना दीदा जिगर बेचैन, लेकिन गुफ्त की संजीदा संजीदा अजय मस्ती पर। ये चीजें बाद में बेचना, पहले मेरे को ये बताओ मेरा वो मेरी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम किया कि नहीं? ओए खबीश, हमारे कहने का मतलब है हम खुद ही आतंकवादी है। ओह थैंक गॉड, वरना अननोन आतंकवादियों से मेरे को बड़ा डर लगता है। बकवास बंद करो और हमारे साथ चलो। हाँ चलो चलो, जाना कैसे है होटल तक? ऊंट पे जाएंगे, ऊंट पे। कहाँ है ऊंट? हाँ इधर है, इधर इधर आओ, इधर। हाँ इधर आओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऊंट पे बैठ जाओ, मैं पैर कर लूँ। ए ए ए ए तुम इधर, ऊंट खड़ा हो गया। अरे तू इसका मुंह इधर है, उधर किधर हाथ लगाती है? हाँ चलो अभी हम लोग ऊंट पे बैठ गए है। हाँ अभी हम तुमको एक बात बोलता है। क्या? देखो क्या है, बैकग्राउंड ज्यादा जरूरी कि डायलॉग ज्यादा जरूरी, सुनने दो। हाँ क्या है? अगर तुमने हमारी बहन के शादी में अच्छे से गाना नहीं गाया, हाँ, तो हम तुमको इधर ही दफना देंगे। ये तेरी बहन की, तेरी बहन की शादी 2 साल अगर डिले कर लो तो मैं भाग के सिखाऊं। तुम मजाक बहुत अच्छा करते हो। खुशामदीद, खुशामदीद। हैं? खुशामदीद। वाह वाह, डांसर भी मंगवाई है। ओए बेजुर्म खता कतला मजनाज बुता कर दी, खुद पे सदी बर्मन कर दी। तेरे को कफ की इतनी प्रॉब्लम, दवाई क्यों नहीं ले लेते? क्या बार बार? हमको कफ का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा बहन है, इसी का शादी होने वाला, ये डांसर नहीं है। अल्फतार अल्फतीरी, कल खरीदी आज का बेची, जबरदस्ती। तुला मराठी है तो है। चलो अभी गाना शुरू करो और सुनो, अभी 2 दिन बाद हमारा बहन का शादी है, अगर तुमने अच्छे से गाना नहीं गाई तो हम तुमको शादी में गाना गाने नहीं देगा, तुमको इधर ही दफना देगा। अरे लेट मी ट्राई। अरे सुनिए सुनिए, हाँ रिस्पॉन्स दिया करो, मुझे लगता है चले गए आप। देखिए अगर आप मेरा साथ दें दोनों
तो मेरी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है। अच्छा, क्या करना होगा हमें? आप दोनों बाहर चले जाएं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मेरे पीछे बैठ के आप बिना बोले एंजॉय करें। बोलो क्या सुनना चाहेंगे आप? तुमको जगजीत सिंह आती है? जगजीत सिंह की याद आती है बस। उनका कोई गाना सुनाओ, हम उनका बहुत बड़ा फैन है। उनका मेरे को ऐसे कोई गाना नहीं आता, माफ करना, बट गुलाम अली साहब का चलेगा? हाँ हाँ, हम उनका भी फैन है। हाँ, फैन ही रहना सारी उम्र, अपनी खुद की कलाकार ना बनना कभी। भाईजान, हमने आपसे कहा था गुलाम अली को लाइए, ये आप किसे लेकर आए हैं? दिल तो करता है ऐसे गोली से उड़ा दे। मेरे को गोली मत मारना, मेरे को गोली मत मारना। देखो मैं गुलाम अली हूँ, मैं वैसे टीवी पे अलग दिखता हूँ, नहीं जी तो मेरी बात सुनो, मैं गुलाम अली की बात सुनाऊँ आपको? सुनाइए सुनाइए। मेरा हारमोनियम किधर है? इधर इधर। हाँ मैं गुलाम अली हूँ, आप यकीन नहीं करते, टीवी पे थोड़ा मैं ऐसे दिखता हूँ, मेरी असली आवाज में गुलाम अली की आवाज में बताता हूँ। ये जो गजल आपके दोनों से करने जा रहा हूँ, ये गजल मैंने खुद ही बनाई है। तो ये गजल जब मैंने अर्चना जी को सुनाई, तो मैंने अर्चना जी से पूछा, मैंने कहा आपको गजल कैसी लगी? कहती बनी तो अच्छी है लेकिन नमक थोड़ा कम था। अरे कुछ क्लासिकल सुनाओ, गजल में मजा नहीं आ रही। क्लासिकल क्या मतलब? आपने तो कहा था गाना गाना है। पंडित भीमसेन जोशी। अच्छा, उनकी आवाज मेरे को आती है। पंडित भीमसेन जोशी। हमें कुछ मुन्नी या कुछ शीला सुनाइए। इतने कलाकार सुनने थे तो मेरे को क्यों बुलाया इतनी दूर से? रेडियो नहीं मंगवा सकते थे बाहर से? एक तुम लोग अफगानी आदमी हो गए, तुम लोग को इतनी नॉलेज कैसे? तुम लोग हो कौन मेरे को बताओ, किधर है तुम लोग? हो कौन तुम लोग? भाईजान, भाईजान, मैं राजा हूं तो ठहरे परदेसी। और ये कौन है? इला जी। ये क्या दिल्ली शहर में मारो घाघरे में जो घूमे हो? घाघरे में इतनी हवा भर गई थी, उड़ के अफगानिस्तान आ गई। क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? यहाँ शो करने के लिए आए थे भाईजान, लेकिन इन्होंने ऐसा आलाप खींचा कि उन लोगों ने यही रोक लिए। अच्छा? कहने लगे जब तक अच्छा नहीं गाओगे तब तक जाने नहीं देंगे। अब आप ही हमें बचा सकते हो भाईजान। मैं क्या बचाऊं, मेरे सिंगापुर का शो, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। एक गाना इन्हें सुना दो, हो सकता है इनको पसंद आ जाए तो हमें जाने दें। गाना मैं नुसरत साहब का गाना अर्ज किया है। मेरा सिंगापुर में शो है, मेरा टाइम हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो, इधर आओ। इनको गाने में जाने इनको कोई मतलब नहीं, आए घर से बैठे इंजॉय करके चले जाते हैं, मुद्रा करने आते, ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाते इनको। देखो हमारा एक्टर पसंद आया, इन्होंने 10 रुपए दिए, 20 निकालो, उनको बोलो केस दबा दबा कर इधर। अपने को नहीं करना, मेरे शो में लेट हो रहा हूँ। इधर ही थैंक यू। तो कपिल मुबीन और सरगुन का ये एक्ट आपको कैसा लगा? आर्ची, थोड़ी कच्ची पक्की लगी मुझे स्क्रिप्ट, थोड़ी सी मिस टाइमिंग लगी। मुबीन आपने बहुत अच्छा किया जो आपको दिया गया था, सरगुन आपने भी। कपिल आप हमेशा बांध के रखते हैं अपने पूरे एक्ट को, आज मुझे लगा थोड़ी सी कच्ची पक्की थी स्क्रिप्ट और उतनी रिहर्सल नहीं दिखी मुझे, लेकिन आपका जो गाने का अंदाज था, आपने अलग अलग तरीकों से जुगाया, उसने बहुत ऐड किया आपके इस एक्ट में। एंड इन टोटैलिटी इट वाज स्टिल वेरी वेरी एंजॉयबल एंड वेरी वॉचेबल। थैंक यू सुहेल। नहीं, मुझे तो ये देखे बहुत खुशी है कि आप पहले जब कपिल आया करता था स्टेज पे, तो वो एक पूरी एक्ट को अपने शोल्डर पे ले जाया करता था। ये देखे खुशी है कि मुबीन आप, सरगुन आप, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हिम नाउ, एंड स्क्रिप्ट आर आपको ध्यान में रख के, आपके जो कैरेक्टर्स हैं आप अगर आप राइटर्स के साथ शेयर कर रहे हो, सो दे आर अकोमोडेटिंग यू एंड योर टैलेंट एंड जो आप कर सकते हो इन टू द स्क्रिप्ट। तो ये बात अच्छी है कि आप कपिल से लोड थोड़ा निकल रहा है और ये आप पे जा रहा है, एंड जो एक छुपी हुई टैलेंट थी आप दोनों की वो अभी नज़र आ रही है। फैबुलस कॉन्सेप्ट। क्या मैं, मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ एक कमाल का होगा, तो बेसिकली एक एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गए थे, लेकिन जो हमने सुना है कि अब कपिल पाजी को जाना है, अब उनकी फ्लाइट है, तो आई जस्ट फील दैट यू थोड़ा सा स्लैक की वजह से यू मिस दैट वन पॉइंट, बट इट वॉज स्टिल अ फैबुलस। थैंक यू सर भाई। थैंक यू सर।